या ना हो, लेकिन हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहे। जब दो सीट आया था हम लोग की सरकार में, जो हम लोग शरीर के साथ धरना दिए हैं, इसका वजह है विजय सिंह का हक। और हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं अनिल मेहता जी, पूर्व विधायक अनिल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष, तुम्हारे सैकड़ों कैमरा चल रहे थे, एक भी कैमरा मिर्ची का पाउडर दिखलाया तो फिर तेजस्वी के कहने पर कैसे मान जा रहे हो, नीतीश कुमार के कहने पर कैसे मान जा रहे हो कि वहाँ मिर्ची का पाउडर डाल रहा था? और भाजपा कार्यकर्ताओं की बात कर रहा है कि वो तो उसकी अपनी करतूत है। नीतीश कुमार का मंसूबा था, पहले ही से मन बनाया हुआ था कि इस तरह के करने नहीं देंगे, और नीतीश कुमार जैसा सगा नहीं जिसको ही ठगा नहीं। अब नीतीश कुमार का सद्बुद्धि समाप्त हो गया है और जो कुमति सवार हो गया, कहता है नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले भी व्यक्ति मर जाता है। नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, महागठबंधन कहते हैं, महागठबंधन नहीं है, वहाँ गठबंधन है, और वहाँ से और लोग टूट टूट के बिखरेंगे। जब लोकसभा चुनाव आएगा ना तो और लोग टूट टूट के बिखरेंगे। अब नहीं है, नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ गए, जो हैं बिहार के लूट के रखे हैं उन्हीं के यहाँ फिर चले गए, और कहते थे कि कफन में कोई जेब नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी, अब कफन में जेब हो गया, आप अपना बेटा के शादी कीजिए, बेटा के बसाइए घर, पुतौह लाइए, और आपसे अब बिहार नहीं चलेगा, अब बिहार बर्बाद कर दिए। दो लोग टीचर बनेंगे तो बिहार के लोग क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, रोड पर चलेंगे, तो अपने भोजन नहीं मिलेगा, दूसरे के भोजन दे देंगे। तो ऐसा नीति नहीं चलेगा, महिलाओं हो, टीचर हो, कृषि हो, सभी जो है उब चुका है इससे। बहू क्या लाएंगे जब पत्नी के खुदे मार दिए, घुट घुट के मर गई पत्नी, जिसको आप शादी करके लाए हैं उसको ठीक से नहीं रखिएगा तो आप कहाँ के हैं? आप बिहार के ठग रहे हैं, बिहार के बरगला रहे हैं। नीतीश जी जैसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। नीतीश जी एक जो है दुष्ट आदमी है, राक्षस हो गए, और राक्षस नहीं थे तो कैसे मारती, कैसे पुलिस अत्याचार किया। और 2024 और 25 आने वाला समय बीजेपी का ही कमल नजर आएगा।